राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम बनाएंगे ये कॉलर वी नेक पर, और इसे आप टाई नेक भी बोल सकते हैं। तो चलो फिर देख लेते हैं एकदम इजी तरीके से। तो मैंने ये जो कुर्ती की कटिंग है वो पहले से ही कर ली थी, और ये डबल एक्सेल से थोड़ी बड़ी कुर्ती है, और 3.5 में मैंने इस तरह से निशान लगाया, और इस तरह से मैं लगा रही हूँ 8 इंच पर निशान। जो मेरा गला होगा वो 8 इंच खुला रहेगा, और नीचे 3 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं 0.25 का गहराई में निशान लगा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से सीधा मिला देंगे, नीचे 0.25 और ऊपर था 3.5, और इसको मिला दिया। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो गई है, और अब मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ, और ये बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, और अच्छे से हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट रखकर ओवरलैप करके इसकी सिलाई कर दूंगी, जो उसके शोल्डर की सिलाई ना, देखिए फ्रेंड्स सिलाई मैंने कर दी शोल्डर की। और ये हमारा फ्रंट नेक है, आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये ना सेम कलर है तो दिख नहीं रहा है, तो मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। और बैक पार्ट को इस तरह से जॉइंट करके यहाँ से हम 1/2 इंच जितना काट देंगे, 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा कम ही काटेंगे। और ये देखिए पीछे से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और इसको हम सीधा कर देंगे। और अब हम इसका लेंगे मेजरमेंट, तो इस तरह से 11 इंच था, और ऐसे भी 11 इंच तो 22 हो गया डबल। और यहाँ से हमारा 3.5 था तो 7 हो गया, और यहाँ से 1 इंच के करीब था तो टोटल हमारा 30 हो गया है। और अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, पूरे को ओवरलैप करते हुए नेक को, तो ये देखिए हमारा 30 आ गया। और इसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, और एक हम इस तरह की स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कटिंग करके प्रेस कर लिए, इसमें मैंने 1 इंच का पेपर पेस्टिंग चिपकाया है, और इस तरह से ये 1.5 इंच की है डबल फोल्ड करके, और सिंगल में ये 3 इंच की होगी, तो इसको डबल कर देंगे तो 1.5 इंच की हो जाएगी। 1 इंच का मैंने इसमें कैनवास पेपर चिपका दिया है अंदर की तरफ, और इस तरह से एक ही सीधी मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 30 हमें रेडी चाहिए थी, और मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, और ये 1/2 इंच का निशान हम खुली हुई साइड की तरफ लगाएंगे, 1/2 इंच का इस तरह से मैं पूरे पे निशान लगा लूँगी। और इसी पर ही हम सिलाई करेंगे, इससे हमारी जो है ना एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी, क्योंकि सिलाई हमारी इसी पे आएगी तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी ना, तो एकदम बहुत ही अच्छे से हमारा नेक लगकर रेडी होगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने सीधी कर ली है इस निशान को, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको जॉइंट कैसे करना है। तो ये मैंने इसको सीधा करके रखा है हमने, ये हमारी सीधी साइड है, और अब इस स्ट्रिप्स को लेंगे 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ रख के, और इस तरह से यहाँ से हम पूरे में सिलाई करेंगे, और कोई से भी कपड़े को नहीं खींचेंगे, ना स्ट्रिप्स को ना नीचे वाले को, और पूरे में यहाँ तक हम सिलाई ले आएंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब मैं मशीन पर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने जो निशान लगाया था इस तरह से हम इसको रखेंगे, और जो हमारा नेक कट है ना उससे 0.25 नीचे की तरफ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, और जो निशान लगाया है उसी के ऊपर ही हम पूरे में हम सिलाई करेंगे। तो ये हम सिलाई करते हुए बैक नेक की तरफ आ गए, जो बैक हमारा पिछला हिस्सा है, और देखिए हम इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे, एकदम ईजी है। इसको जैसे ये घूम रहा कपड़ा उसी तरह से हम घुमाते हुए इस पर सिलाई कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है हमको, और बहुत ही अच्छा और अच्छे से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम करते हुए नीचे तक आ जाऊंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं नीचे तक दूसरी साइड में आ गई हूँ, और इस तरह से मैं सिलाई कर दूँगी, और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आऊँगी 0.25 जितना। और इसमें है ना इसमें टिप्स और ट्रिक ये है कि इसमें हम पहले से इसको कट नहीं करेंगे, अगर पहले से कट कर देंगे ना तो इसमें वो हमारा नेक फैल जाएगा। तो अब मैं आपको मैं इसका पीछे की साइड करके दिखाती हूँ, ये हमारी है उल्टी साइड। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी उल्टी साइड है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास से। तो यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है, और यहाँ पर अब हम कट कर देंगे, तो मैं अब कट कर रही हूँ। अगर हम पहले ही कट कर देंगे ना तो हमारा नेक फैल जाएगा और फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। तो ये मैंने अब कट कर दिया, और ये देखिए इतना सा हमारा कपड़ा कट हो गया है, और अब मैंने सीधा कर लिया इसको। अब इसको अंदर की तरफ देंगे,
और जो दूसरा इसको भी अंदर की तरफ ओवरलैप कर देंगे, और जो हमने कपड़ा कट किया था उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखिए जो हमने कट किया था वो ये कपड़ा इतना है, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे इस कपड़े के ऊपर, और ओवरलैप जो हमने पट्टी करी ना उसको करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो मैंने पिंस लगा के आपको दिखाती हूँ, इस तरह से सिलाई हो जाएगी, तो ये ऐसे फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं सिलाई, और इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे, और इस तरह से ये हमारा जो सेंटर है, और यहाँ हमें 8 इंच का नेक चाहिए तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से ओवरलैप कर देंगे, और ऊपर नीचे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, जितना अपने यहाँ पर है उतना ही लेंगे, और एक पिन लगा लेंगे यहाँ पर हम। तो पिन लगा ली मैंने इस तरह से, चारों तरफ सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आएंगे, और उसको एक बार लॉक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो नेक हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो ये पहले मैं नीचे की तरफ सिलाई लगा दूंगी फ्रेंड, और सिलाई हम डबल करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है इसको हम कट कर देंगे। ये मैंने कट कर दिया है, और अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, देखो एकदम फिनिशिंग के साथ है हमारा। और अब हम इसके ऊपर ऊपर की तरफ एकदम सीधी सीधी सिलाई करेंगे, और एकदम फिनिशिंग के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो इस तरह से मैं पूरे नेक पर सिलाई करती हुई आ जाऊँगी। तो ये पीछे की तरफ आ गई हूँ मैं करते करते इस तरह से, और हम नीचे दूसरी पॉइंट तक आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे पॉइंट तक आ गए हैं, और इस तरह से मैं इसको घुमा लूँगी और ऐसे करके, और अब हम करेंगे ऊपर की तरफ सिलाई, और नेक हमारा एकदम रेडी है फिनिशिंग के साथ। अगर आप इसमें लेस वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ये इस तरह भी बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह से हम वापस से इसको एक बार लॉक कर देंगे, और इसी सिलाई को मैं इस वापस ले लूँगी, सिलाई के ऊपर सिलाई फिनिशिंग के साथ। तो नेक हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, आपका कैसा बना मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।